इंदौर के युग पुरुष धाम आश्रम में तीन बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। आश्रम में पिछले तीन दिनों से तीन बच्चों की मौत हुई है, जिसमें से दो की मौत मिर्गियों के कारण और एक बच्चे की मौत फूड पॉइजनिंग के चलते हुई है। 2006 से संचालित यह आश्रम पंचकुया में स्थित है, जिसमें फिलहाल 207 बच्चों का नाम रजिस्टर्ड है। आश्रम का जायजा लिया हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा ने। इंदौर से आज एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर युग पुरुष आश्रम, जो कि एक मानसिक दिव्यांग छात्रों के लिए, बच्चों के लिए आश्रम है, वहां पर तीन बच्चों की मौत की खबर सामने आई थी। दो बच्चों की मौत यहां पर फिट्स के कारण बताई जा रही है और एक बच्चे की मौत यहां पर इन्फेक्शन के कारण बताई जा रही है। इस वक्त हम आपको उसी आश्रम की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस आश्रम के तीन बच्चों की मौत हुई है। ये आश्रम पंचकुया में स्थित है और ये स्वामी परमानंद अस्पताल के ऊपर ही बनाया गया है। यहाँ पर ही बच्चों का प्राथमिक उपचार हमेशा किया जाता है और उसके बाद ही अगर हालत गंभीर होती है तो उसके लिए उन्हें दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जाता है। यहाँ पर ही अस्पताल जो है उसे संचालित किया जाता है। अस्पताल में प्राथमिक उपचार हमेशा से बच्चों को दिया जाता है और सालों से ये अस्पताल चल रहा है। इसके ऊपर ही ठीक ऊपर, इसी के ऊपर आश्रम बनाया गया है, जिसमें 207 बच्चे रहते हैं। 207 बच्चे जो है उनमें से 12 बच्चों की हालत बेहद खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल यानी कि चाचा नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पाँच बच्चे जो है उनमें से उनकी हालत थोड़ी बेहतर है, लेकिन बाकी की हालत थोड़ी सी नाजुक है और उनमें से दो की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। तीन बच्चों की मौत की खबर जो है वो भी सामने आई थी, जिसके बाद से लगातार जिला प्रशासन जो है वो भी मामले में कार्रवाई कर रहा है। हालांकि 12 जो बच्चे फिलहाल चाचा नेहरू अस्पताल में एडमिट है, उनमें से दो की हालत गंभीर है, बाकी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये समझ में आ पाएगा कि आखिरकार इस सभी बच्चों की हालत क्यों बिगड़ी थी। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।